हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिवर्स ऑफ रेडियोलॉजी में। मैंने आपको एनसीएल के 60 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, अब मैं आपको इससे आगे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। द पेशेंट चिन शुड बी एलिवेटेड ड्यूरिंग चेस्ट रेडियोग्राफी टू। ऑप्शन नंबर ए है अवॉइड सप्रीमेशन ऑन द एपेक्स ऑफ द लंग्स। ऑप्शन नंबर बी है कीप मिड सजाइटल प्लेन पैरेलल। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस पेशेंट मोशन। ऑप्शन नंबर डी है रिड्यूस पेशेंट डोज। तो जो हमारे 61 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप 60 पर देखिए। द 10-day रूल ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल पेशेंट इज एप्लीकेबल टू। ऑप्शन नंबर ए है द फर्स्ट डे फॉलोइंग ऑफ सेंसेशन ऑफ मेंसुरेशन। ऑप्शन नंबर बी बोला द फर्स्ट डेज फॉलोइंग द ऑनेस्ट ऑफ मेंसुरेशन। ऑप्शन नंबर सी बोला है द 10 days प्रोसेडिंग द मेंसुरेशन। ऑप्शन नंबर डी बोला है 14 days बिफोर मेंसुरेशन। तो जो हमारे 62 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए है AERB। ऑप्शन नंबर बी है BARC। ऑप्शन नंबर सी है NCERP। ऑप्शन नंबर डी है ICRP। तो जो 63 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप। द रेडिएशन वार्निंग सिंबल इज ए ब्लैक ऑन अ येलो बैकग्राउंड। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिल फॉइल। ऑप्शन नंबर बी है डुअल फॉइल। ऑप्शन नंबर सी है क्वाड फॉइल। ऑप्शन नंबर सी है सिंगल फॉइल। तो जो हमारे 64 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए आप। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ यूजिंग हायर KV इन रेडियोग्राफी एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर। ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस एक्सरे ट्यूब हीटिंग। ऑप्शन नंबर सी है शॉर्टर एक्सपोजर टाइम। ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज्ड एरिया कंट्रास्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए आप। इन एन अडल्ट अ स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली एंड्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टीब्रा। ऑप्शन नंबर ए है S1। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी है L1। ऑप्शन नंबर सी है L5। ऑप्शन नंबर डी है S3। तो जो 63 का राइट आंसर होगा वो होगा L1। क्वेश्चन नंबर 67 है। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज यूजुअली इन रेडियोग्राफी बिकॉज इट इंडिकेट्स हाउ द रेडिएशन इंटेंसिटी इज इफेक्टेड बाई। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो एक्टिव डीके। ऑप्शन नंबर बी है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ऑप्शन नंबर सी है द साइज ऑफ द सोर्स। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा 67 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। 68 क्वेश्चन देखिए आप। फिक्सिंग सॉल्यूशन यूज्ड इन रेडियोग्राफी आर ए है एल्काइन बी है एसिडिक। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा एसिडिक। एसिडिक का pH मान कितना होता है मेरे को कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 है। वन रेड इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है 1 joules per kg। ऑप्शन नंबर बी है 0.01 J। ऑप्शन नंबर सी है 100 joules per kg। और ऑप्शन नंबर डी है 0.1 J। तो जो 69 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 क्वेश्चन देखिए। द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम दैट लेवल्स द एक्सरे ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू ऑल पोजिशन ऑफ द बीम दिस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर है हील इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है थर्मायनिक इमिशन। ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रे रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी ट्यूब रेटिंग। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हील।